डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। रेडी स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, ताज्जुब तो यह है कि अंग्रेजी का विरोध करने वाले इंग्लैंड में डॉक्टर, वकील, बुद्धिजीवी और ऐसे लोग थे जिनका फ्रेंच और लैटिन के साथ एक निहित स्वार्थ जुड़ा हुआ था। उन्होंने अंग्रेजी भाषा को एक बार बैरिक लैंग्वेज कहा था। इंग्लैंड में भी यह तर्क दिया गया था कि अगर डॉक्टरी की पढ़ाई अंग्रेजी में की गई तो मरीज मर जाएंगे। अंग्रेजी इस योग्य नहीं है कि वह कानून की और शिक्षा की माध्यम बन सके। लेकिन इंग्लैंड की जनता ने अंग्रेजी को लाने का स्वाभिमान पूर्ण निर्णय लिया और आज अंग्रेजी को इतना विकसित कर दिया है कि हम उस अंग्रेजी के मोह में पड़ गए हैं। हम उस अंग्रेजी को नहीं छोड़ना चाहते हैं। मेरी मातृभाषा हिंदी है और कभी-कभी मुझे लगता है कि यह मेरा दुर्भाग्य है। मेरी मातृभाषा हिंदी होने के कारण यहाँ बैठकर मुझे ऐसी बातें सुननी पड़ती हैं जो मैं और किसी भाषा भाषी को सुनाने की कल्पना भी नहीं कर सकता। हिंदी को केंद्र की राजभाषा बनाने का निर्णय हिंदी वालों ने नहीं किया। संविधान सभा में हम नहीं थे। संविधान सभा में राजभाषा बनने से पहले हिंदी को जो ऊंचा स्थान दिया गया वह गैर हिंदी वालों ने दिया था। संविधान सभा ने केवल उस पर मुहर लगाई। अगर यह संसद चाहती है तो संविधान को बदल सकती है। अगर संसद चाहती है कि सभी भारतीय भाषाएं केंद्र की भाषाएं बने तो हम उसका विरोध नहीं करेंगे, उल्टे हम उसका स्वागत करेंगे। हिंदी का किसी भारतीय भाषा से झगड़ा नहीं है। हिंदी सभी भारतीय भाषाओं को विकसित देखना चाहती है, लेकिन यह निर्णय संविधान सभा का है कि केंद्र की भाषा बने। जब संविधान सभा ने यह निर्णय किया तो संविधान का जो प्रारूप बना था उसमें अंग्रेजी के प्रयोग के लिए केवल 5 साल रखे गए थे। बाद में अहिंदी भाषी लोगों की कठिनाइयों को ध्यान में रखकर 5 साल की अवधि बढ़ाकर 15 साल की गई। आचार्य जी ठीक कह रहे हैं कि यह गलती की गई। कुछ लोग इस मत के हैं कि अगर अंग्रेजी जानी चाहिए थी तो एक बार में ही चली जानी चाहिए थी। अंग्रेजी को धीरे धीरे हटाना मुश्किल है, यह वास्तविकता है। श्रीमन, इस निर्णय से हमारे दक्षिणवासी मित्र असंतुष्ट नहीं थे। श्री अल्लादि कृष्ण स्वामी अय्यर, श्री गोपाल स्वामी अयंगर और श्री कृष्णाचारी के लिए 15 साल की अवधि संतोषजनक थी।
अगर संविधान की व्यवस्था से कोई असंतुष्ट थे तो अहिंदी भाषी असंतुष्ट नहीं थे, बल्कि राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन असंतुष्ट थे, जो अंतर्राष्ट्रीय अंक नहीं चाहते थे, या मौलाना आजाद असंतुष्ट थे, जो हिंदी नहीं हिंदुस्तानी चाहते थे, लेकिन अहिंदी भाषा भाषी या दक्षिण भाषा भाषी असंतुष्ट नहीं थे। राजेंद्र बाबू ने संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में कहा था कि भाषा के संबंध में हमने जो निर्णय लिया है, यह बड़ा नाजुक निर्णय है, इसे साल के साल, महीने के महीने, हफ्ते के हफ्ते और मिनट के मिनट हमें कार्यान्वित करना होगा। मगर केंद्रीय सरकार समझी थी, या केंद्रीय सरकार में जिनके हाथ में भाषा संबंधी नीति को क्रियान्वित करने का अधिकार था, वह समझते थे कि 14 साल 11 महीने बीतने के बाद फिर परिवर्तन का प्रयत्न किया जाएगा। जब 1965 आया तो देश इस परिणाम पर पहुंचा कि अभी अंग्रेजी को नहीं हटाया जा सकता है, और इसलिए अंग्रेजी को आगे भी चलाने की व्यवस्था की जाए। 1963 में एक कानून बना। नेहरू जी के जिन आश्वासनों की चर्चा की जाती है, वे आश्वासन 1959 में श्री फ्रैंक एंथनी के एक गैर सरकारी प्रस्ताव के उत्तर में बोलते हुए प्रधानमंत्री ने दिए थे। मैं उन आश्वासनों को आपके सामने रखना चाहता हूँ, क्योंकि उन आश्वासनों की बड़ी चर्चा हो रही है, लेकिन सचमुच वे आश्वासन क्या थे, इसको भी समझने का समय आ गया है। आश्वासन यह था कि हिंदी के साथ अंग्रेजी चले। आश्वासन यह नहीं था कि केवल अंग्रेजी चले। क्या आज हिंदी के साथ अंग्रेजी चल रही है? आज अंग्रेजी चल रही है, हिंदी नहीं चल रही है। इस विधेयक के बाद हिंदी और भी नहीं चलेगी। राष्ट्रपति की ओर से हिंदी के प्रयोग के संबंध में कुछ आदेश जारी किए गए थे, जिनमें से एक आदेश यह भी था कि हिंदी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षाओं की भाषा होगी। 1965 के बाद यह हो जाना चाहिए था, यह क्यों नहीं हुआ? हिंदी के साथ और भारतीय भाषाएं भी परीक्षा का माध्यम बने, यह हम चाहते हैं, और इस तरह की मांग की गई थी। कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने भी ऐसा प्रस्ताव पास किया था।